तो राम राम जी। कैसे आप सभी, मैं उम्मीद करते हैं स्वागत है आपका एक बड़े प्रोग्राम में। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ भाई हॉस्पिटल में, जो कि अब हमने दिखा लिया डॉक्टर को और अंश के पापा लेने गए दवाई, और इसके बाद हम जाने वाले हैं भाई मंजू बाबू के घर पे। तो बने रहने के लोग के साथ घर पर लोग स्टार्टिस में नहीं किया भाई, बच्चे सो रहे थे तो वो साथ में आने के लिए घर पर, इसलिए तो बने रहने पर करके ले पाए। नवजीन हॉस्पिटल में, जैसे नवजीन हॉस्पिटल में बैठे हैं और अपना अब जाने वाले हैं, मैं तो आपको बाहर से दिखाऊंगी नवजीन हॉस्पिटल कहाँ पड़ता है, कहाँ मिलता रोड पे है। बड़े रहना के लोग साथ और भाई के घर से ना बच्चों को ऐसे स्कूल पर छोड़ के आए हैं, और सुबह के 9:30 बज चुके हैं फिलहाल हमें यहाँ पे, और अभी जाने वाले हैं मैं यहाँ से। फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई मंजू बाबू के घर पे, और ये क्या रही है पानी क्यों भी मेरे हमारे लोग ये बार बनाया तो यार मंजू बाबू ने घर को कैसे सजा रखा है, फोटो लग रही है मंजू बाबू। चेंटी सब जगह ही हो रही है ना, लाल है वैसी है सब ही हो रही है, ये अकाल पड़े हो। हम सब आ चुके आ जाओ कोई अभी नहीं हो तो अभी जब करे शाम को ले रहा है, हम सोच रहे सुबह पी अगे, मैंने तुम्हारे नाम पे नहीं है हमारे यहाँ इंडोन से आ रहे हैं इंडोन के नहर पिए ले बस घर में मैं तो नहाई भी बन पूरी हालत हो रही है कोई बता थोड़ी सके कि हम नहाए कि नहीं नहाए। कभी भी नहीं खिला रसोई आगे ही खिला सही है आगे कर ले जगह आम खा लो भाई आम खा लो भाई खाने को कोई लगे भैया खाना इधर लिया मंजू भाभी रहा है तो आ जाओ कोई खाना हो तो खाना पहला छोटा तो कहीं और माल बना माल ही है यार हमने तब नहीं बना रहा कुछ रात को कम भाभी ठीक है रात ही खिलाया हम आ जा भाई को ये खाना हो तो खानो नुकची बूंदी बूंदी को रहा था खाना पीना खाने के बाद मैंने कर लिए कपड़े चेंज, लहंगा लुंगी पहन ली और इधर ये सोने लग रहे हैं, और अभी हम थोड़ी बहुत देर में जाने वाले हैं मंजू बाबू गई है नहाने के लिए, वो आ जाएंगे तब उसके बाद हम जाएंगे। तो बने रहना ब्लॉग के साथ, आज मंजू भाभी से मिल के जा रहे हैं भाई, क्योंकि अरविंद आते थे हम ऐसे ही निकल जाते थे, तो अब की बार मंजू भाभी से मिल के जाने के बाद अभी हमारे भांजे से मिलने और जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हम घर। तो ये भाभी निकाल ली मैं जल्दी आ जाओ ना गाड़ी आ गई बाहर मैं तो नहा दिया और फिर भाई भाभी को उदास कर जाऊँ मैं शाम को आऊ कोई दिक्कत नहीं है क्यों कह रही है बैग नहीं छोड़ता बैग प्लेयर जा रही है मैं तो ना रही हूँ अभी हो जाते मैं जब ऐसा मुँह कोई नहीं मिल पाया भाभी जैसा पूरा परिवार ही बहुत अच्छा भाई इनको
ऐ भाया भाई पाए लाइए मेरे पास में और जा रही है, देखो मेरे को धोखा देके जा रही है। धोखा दे नहीं जा रहा बिल्कुल, अब मिलते ही रहूंगा मैं, जो करूँ टेंशन फ्री रहे तुम। ऐसे वीडियो भी नहीं बनाई और हमने खाना पीनो खा लिया और खाना नहीं खा पाया बेचारी ने, 2 बजे गाड़ी में और अब जा रहे हैं हमारे भांजे के पास। लक्ष्मी से मिलने के बाद आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं हेलो दोस्तों, राम राम जी, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और मैं छोटे से मैं तो दोस्तों आज का सुबह का ब्लॉग बना रही हूँ मैं और मेरी ननद की छोरी बना रही है सब्जी भाई और ननद बना रही है भात रोटी। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए आप लोग दिखाते हैं। तो इधर देखिए लाली बना रही है सब्जी, इधर काट लिए मिर्ची आलू टमाटर प्याज लाली ने और इधर गरम कर रखा है भाई तेल कैरी का अचार बनाने के लिए इस कढ़ाई में बड़ी वाली में, और इधर छोटी कढ़ाई में बना रही है लाली सब्जी। और अब चलते हैं बाहर की तरफ क्योंकि जीजी बना रही है बाहर रोटी। ये कैरी भाई पूरी सड़ गई, देखो ये पूरी ख़राब हो चुकी है क्योंकि हम परसों जयपुर चले गए थे और इनको भाई काट के चले गए थे और अचार डालने नहीं आया, एक से हमने बोला था वो, इसलिए ये पूरी कैरी ख़राब हो चुकी है। और इधर जीजी बना रही है रोटी और अंश बैठा है उनके साथ में, अंश उदम कर रहा है भाई बहुत ज़्यादा। और अब देखो इधर बैठे हमारे ये छोटे डॉन, वापस लाली के पास आ चुकी हूँ मैं। ये कैरी लाई थी 100 में थोड़ी सी आम में से तोड़, पूरी कैरी टूट चुकी है क्योंकि आम में अब कैरी नहीं थी। और ये लग रही है सोना अपना होमवर्क करने, ट्यूशन का काम। इधर ये लग रहे हैं भाई खेलने तीनों चारों बच्चे। ये मेरी बहन की लड़की है बड़ी वाली किंजल, किंजल से बात कर रही हूँ मैं, कुछ पूछ रही थी। किंजल अपने भाई से बात कर रही थी क्योंकि भाई ने उसने बोल रही थी मैं बुआ के साथ नहीं जाऊँगी और मुझे कपड़े ला दो जी। किंजल का भाई बोल रहा है मैं अभी नहीं आ रहा, तू चले जा, तेरे लिए कपड़े ले आऊँगा दिल्ली से। और ये मेरी ननद का लड़का भाग रहा है, शर्म रहा है कि वीडियो बना रही है मामी, इसलिए तो मैं अंदर ही आ गई। मैंने अब कहाँ छुपेगा तू, फिर यहाँ से भी भागने की कोशिश करता है ये।
और फिर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। ये भाग गया बाहर की तरफ। और ये अंश और जीजी लग रहा है, अंश परेशान कर रहा है दीदी को, तो मैं इसलिए